हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 3 ऐसे अमेजिंग एंड इजी ट्रिक्स जिससे आप अपने 1 साल से छोटे बेबीज को आसानी से एंगेज कर सकते हैं और अपने काम आसानी से कर सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी जो फर्स्ट ट्रिक है वो है मिरर। मिरर बच्चे की लाइफ में बहुत बड़ा योगदान देता है। मिरर से के सामने अगर आप अपने बच्चे को लेके खड़े होते हैं, उसे ऐसा लगता है कि सामने उसके एक सामने दूसरा बेबी खड़ा है। उसे ऐसा फील होता है कि वो भी किसी से बात कर सकता है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मिरर के सामने। मिरर ने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मिरर ने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस किया था। जब मुझे अभी भी याद है, जब मेरी बेबी छोटी सी थी, मैं उसको मिरर के सामने लेके खड़ी होती थी, वो इतनी खुश हो जाती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती वो चीज़। बट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है मिरर और वो बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप करने में बहुत इफेक्ट करता है। जैसे कि ज़्यादातर लोगों को लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता ही है, जैसे कि हम सब जानते हैं। लोगों को स्टेज फोबिया होता है, कोई जाके किसी से स्टेज पे बात नहीं कर सकते। सो मिरर उस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं उससे और खुद से बात करते हैं तो एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आप में डेवलप हो जाता है, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब वो बड़ा होता है उस टाइम पे। तो आप अभी से उसको सपोर्ट कर रहे हैं अपने बच्चे को और आप उसको एंगेज कर रहे हैं, जिससे आपका बच्चा भी काफ़ी इंजॉय करता है बहुत उसको। जो मेरा सेकेंड ट्रिक है वो है अपने बच्चे से बात करना। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो सेपरेट रहते हैं, जिनके बच्चों के दादा दादी उनके साथ नहीं रहते। सो कहा जाता है, पहले से लोग कहते आ रहे हैं कि जब बच्चे के दादा दादी जो रहते हैं जिस घर में, वो वहाँ के बच्चे बहुत जल्दी बोलते हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जो बच्चे दादा दादी जो होते हैं वो बच्चे से कंटिन्यू बात करते रहते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग मम्मीज हम जो है वो लोग इतना ज़्यादा हमको काम होता है इतना ज़्यादा घर में, और उस टाइम पे हम अपना इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते बच्चों को। सो मेरा जो ये ट्रिक है जो मैं अपने बेबी पे भी इस्तेमाल करती हूँ और करती भी थी, मेरे 2 बेबीज हैं। सो राइट नाउ मैं अपने 1 बेबी पे इस्तेमाल कर ही रही हूँ। सो उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है बात करने से। मैं झाड़ू लगा रही होती हूँ या फिर पोछा लगा रही होती हूँ, मैं अपने बच्चे से कंटिन्यू बात करती रहती हूँ। उस कंटिन्यू बात करने से फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बच्चा एंगेज रहता है, दूसरी चीज़ कि आपका बच्चा हमेशा आपकी बातें सुनता रहता है तो वो ऑब्जर्व करता रहता है और वो जल्दी बोलना सीखता है। वो आपके बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और आप काम करते करते अगर उससे बात करते रहते हैं तो उसे वो आपके आंखों के सामने रहता है, तो आपको ये फील नहीं, आपको ये डर नहीं रहता कि बच्चा गिर ना जाए, अरे उसको चोट ना लग जाए। आपके सामने रहेगा तो आप आसानी से उसके ऊपर नजर रख सकते हैं कि वो कहीं उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं वो गिर ना जाए, राइट। एंड उनको बहुत ज़्यादा आपकी अटेंशन उनको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। बच्चों के आप कभी भी नोटिस करना, आप अपने बच्चे की नज़र से एक बार के लिए ओझल हो जाइए और खाली आप अपनी आवाज़ देती रहिए उसे, तो भी वो रोएगा, क्योंकि उसे ना आपके प्रेजेंस चाहिए होती है, आपके साथ बात करना होता है उसे। तो आप जब अपने झाड़ू कर रहे हैं या फिर पोछा लगा रहे हैं या फिर कपड़े धो रहे हैं, किसी भी टाइम पे आप अपने बच्चे को अपने साथ में ही रखिए, उस जगह पे रखिए। आप किचन में काम कर रहे हैं तो आप किचन में रखिए बच्चे को, आप बेडरूम में काम कर रहे हैं बेडरूम में रखिए बच्चे को। बच्चा बहुत ज़्यादा आपका आपसे एक तो आपका उससे बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन जाएगा और वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएगा और उसको पता चलेगा कि ये मेरी लाइफ का एक पार्ट है। जब आप काम कर रहे होंगे ना तो आपका बच्चा आपको डिस्टर्ब नहीं। जो मेरी थर्ड ट्रिक है वो बहुत ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, जो ज़्यादा इतना कॉस्ट भी मुझे नहीं लगता कि उसका कोई कॉस्ट होता है। मैं अपने बच्चे को जो यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी। मैं अपने बच्चे को क्या करती हूँ, जो थर्ड ट्रिक है मेरी, उसमें मैं उसको कोई भी फल पकड़ा देती हूँ। जैसे अभी उसके टीथिंग हो रही है, मेरी बच्ची छोटी सी है, 8 मंथ की है, उसे टीथिंग हो रही है। सो उस टाइम पे उसे ना जो उसके सलाइवा बहुत निकलता है और गम्स जो होते हैं ना उसमें बहुत इरिटेशन होती है, तो उसको ऐसा रहता है कि मुझे कुछ ना कुछ खाते रहना है।
बच्चों को देखना, आप कभी भी बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ, आप कुछ भी देंगे उनको मुंह में ही डालना है। सबसे पहले उनका जो भी चीज होगा उनके मुंह में ही जाएगा, उसके बाद ही वो कुछ और उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। उनको सबसे पहले हर चीज अपने मुंह में डालनी होती है। सो मेरा जो बेस्ट सजेशन है वो ये रहेगा कि आप गाजर या फिर कॉलीफ्लावर या फिर ब्रोकली, ये सारी चीजें जो है, ब्रोकली काफी महंगी पड़ जाती है, मैं तो वो नहीं ज्यादा लेती, बट मैं कॉलीफ्लावर ले लेती हूँ और गाजर ले लेती हूँ, राइट, एंड ककड़ी ले लेती हूँ। इन सब चीजों को या फिर आप बॉईल करके दे दीजिए बच्चे को, या फिर आप फ्रिज में रखा हो तो फ्रिज में निकाल के दे दीजिए, उसे हाथ में पकड़ा दिया, गाजर को छील के पील करके उसे पकड़ा दिया, वो उसको मुंह में ऐसे ऐसे लेके घुमाता रहेगा, बच्चे को बहुत गम्स में बहुत ठंडक होगी, तो उसको आराम भी होगा, उसकी इरिटेशन भी कम होगी, एंड उसको आप आराम से एंगेज कर सकते हैं। और ये चीज जो है वो आप जब वो आपका बच्चा किचन में आप जब काम कर रहे हो ना उस टाइम पे करें तो बहुत बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। सो इसी के साथ आज हम आ चुके हैं अपने वीडियो के एंड पे, एंड आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और जरा भी आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।